हाय चैंपियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वो सिर्फ महज 26 साल का था और जम्मू एंड कश्मीर के इंडो पाक वॉर हिट बटालिक सेक्टर में एज एन इंडियन एयरफोर्स सर्विंग ऑफिसर ऑपरेट कर रहा था। इस यंग पायलट का काम 17,000 फीट की ऊंचाई से एनिमी पोजीशंस पर 80 mm रॉकेट्स हिट करना था। बात है 27 मई 1999 की। ये यंग पायलट अपना काम बड़ी ही मुस्तैदी से कर रहा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था कि तभी इंजन में आग लग गई। उसने सिचुएशन को संभालना चाहा और इंजन को रीइग्नाइट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जेट से कूद गया और मोटाहाडो के बर्फीले एरिया में लैंड हुआ। कूदते वक्त स्पाइन में इंजरी आ गई। दुश्मनों ने उसे जेट से कूदते वक्त स्पॉट कर लिया था और आधे घंटे बाद उसने अपने आप को करीब 2 दर्जन से भी अधिक दुश्मनों से घिरा हुआ पाया। उसके पास सिर्फ एक पिस्टल थी। चाहता तो सरेंडर भी कर देता, क्योंकि अब जमीन अपनी नहीं थी, लेकिन उसने उनका डट कर सामना किया। मगर जब एम्यूनिशंस खत्म हुई तो उन्होंने उसे रावलपिंडी की जेल में बहुत टॉर्चर किया ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन उसने अपना मुँह नहीं खोला। उसने बताया कि सभी एनिमी सोल्जर्स ने मुझे खूब पीटा और मुझे शायद मारना भी चाहते थे, क्योंकि उनके लिए मैं महज एक एनिमी पायलट था जो उन पर ऊपर से अटैक कर रहा था। भाग्य से एक सीनियर ऑफिसर आए जो कि काफ़ी मैच्योर लगे। उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं अब एक वॉर प्रिजनर हूँ और मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना बेहद गलत है। पर्सनली मुझे लगा कि मैं अब इंडिया कभी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन मन में एक आशा जरूर थी। इंडियन गवर्नमेंट के लगातार एफर्ट्स और इंटरनेशनल प्रेशर से पाकिस्तान को इस यंग पायलट को वापस लौटाना पड़ा। ये यंग पायलट और कोई नहीं बल्कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कामबंपति नचिकेत था, जिसको बाद में वायुसेना गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। 27 मई 1999 को जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत के साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसी दिन कुछ और भी हुआ। वो एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था जिसको MiG-23 बॉम्बर और MiG-21 फाइटर जेट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। जब उसे अपने कॉलीग और फेलो ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत के इजेक्शन के बारे में मालूम पड़ा तो उसने उसको ढूंढने की जिम्मेदारी ली। उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है, मगर उसने फिर भी दुश्मनी इलाके में जाकर वो भी कम हाइट पर फ्लाई करते हुए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसने क्रैश्ड एयरक्राफ्ट की लोकेशन को ट्रैक कर लिया और मिशन कंट्रोल को जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो कि बहुत ही क्रूशियल थी, जिसकी मदद से मिशन कंट्रोल ने टारगेट लोकेशन पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेज दिया। मगर इस फाइटर पायलट के एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान मिलिट्री ने स्पॉट कर लिया और देर न करते हुए एयरक्राफ्ट पर मिसाइल फायर कर दी गई। पायलट ने मिशन कंट्रोल को एक मैसेज दिया, मेरे प्लेन से कुछ टकराया है, मिसाइल हिट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकता, आई एम इजेक्टिंग, ओवर। उसने जेट से छलांग लगा दी और ज़मीन पर गिरने से नी में फ्रैक्चर आ गया। लेकिन इस बहादुर पायलट की किस्मत अपने कॉलीग ऑफिसर जैसी नहीं थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, एक गोली का घाव है जो दाएं कान के पास से एंटर करता है और बाएं कान के एक्सटर्नल ओरिफिस के पास से निकलता है। इसके साथ साथ शरीर के और बहुत से हिस्सों में गोलियां लगी हैं। लेफ्ट नी में कंपाउंड कम्यूनेटेड फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर कूदने की वजह से आया, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं वो साफ बताते हैं कि जब पायलट लैंड हुआ तो वो जिंदा था। उसको बंदी भी बनाया जा सकता था, बट ही वॉज मर्डर्ड एंड हिज डेथ वॉज नोन एज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये बहादुर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा था। उसको अपने बलिदान के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैंने ये कहानी सुनानी इसलिए ज़रूरी समझी क्योंकि इन पायलट्स की बहादुरी की ये गाथा बहुत कम लोग जानते हैं और हम सब इनके साहस, देशभक्ति और निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर ये सब हमारे लिए अपनी जान तक बलिदान कर जाते हैं तो हमें भी अपने अपने लेवल पर अपने काम से, अपने व्यवहार से इस देश को और बेहतर बनाना चाहिए। अगर देश के लिए नहीं करना चाहते तो अपने लिए कीजिए, देश अपने आप बेहतर बनेगा और ऐसे वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे से कभी भी अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें खुद से बस एक सवाल करना है कि क्या इसलिए
ये लोग हमारे लिए अपनी जान तक गवा देने को तैयार हैं। और क्या उनकी जान की कीमत सिर्फ इतनी ही है, या फिर वो अनमोल है? क्योंकि हमारा तिरंगा सिर्फ इसलिए नहीं लहराता क्योंकि उसे हवा उड़ाती है, बल्कि ये हर एक सैनिक की आखिरी सांस के साथ लहराता है जो उसे बचाने के लिए शहीद हो गया। I salute these brave men who serve the nation. Brave are the wives who have spent all their lives alone. I hope आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। I wish you a very happy Indian Air Force Day. Jai Hind. So, do subscribe and press the bell icon to be updated. और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।